नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बेंगलुरु से पटना जा रहे एक विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नागपुर एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि गो एयर के इस विमान में तकनीकी दिक्कत की वजह से आपातकालीन स्थिति में उतारा गया है। विमान में 139 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से आने वाली उड़ानें रोकने का आग्रह किया है जो नए कोविड-19 वेरिएंट से प्रभावित है। केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान किए जाने के बाद भी किसान संगठन विरोध प्रदर्शन खत्म करने को राजी नहीं है। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों से अपील की है कि वो घर लौट जाए। तोमर ने कहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून की वापसी के लिए विधेयक पेश करेगी। कोरोना वायरस का कहर लगातार पूरे देश में से कम होता नजर आ रहा है। दैनिक मामले में भी कमी आ रही है और एक्टिव केसों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 8,318 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना मामलों की पहचान करने के लिए लगातार टेस्टिंग की जा रही है और देश में टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। कोरोना वायरस सरकार कड़ाई से काम ले रही है और आज पीएम मोदी देश में कोरोना वायरस बीमारी की स्थिति को लेकर टॉप अधिकारियों के साथ बैठक करते देखे गए और चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा भी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद को बड़ी राहत देते हुए उनकी किताब पर बैन लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को पारित आदेश में खुर्शीद की नई किताब के प्रकाशन, सर्कुलेशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि सोच और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को गैर अनुरूपतावादी होने के अशुभ बादल से ढकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग आयोजित करने में हर बार हो रही देरी के खिलाफ डॉक्टरों के कई संगठनों ने देश भर में हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 27 नवंबर से पूरे देश में हड़ताल करने की अपील की थी। फोर्डा ने अपनी घोषणा में देश भर के डॉक्टरों को शनिवार से ओपीडी सेवाओं से दूर रहने के लिए कहा है। तमिलनाडु में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने कस्बों को बर्बाद कर दिया है। गांव के गांव तबाह हो गए हैं और 5 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद राज्य में जान गंवाने वालों की संख्या 68 पर पहुंच गई है। इसके अलावा अधिकारियों ने 2 दिसंबर तक दक्षिण भारत में और बारिश होने की चेतावनी दी है। 1 नवंबर से अब तक 5 दक्षिणी राज्यों में 172 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शुक्रवार को कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाना संभव नहीं है क्योंकि यदि किसानों के उत्पाद को कोई दूसरा नहीं खरीदता है तो सरकार पर ऐसा करने का दबाव बनेगा। कृषि कानून की वापसी के बाद किसान संगठन अब एमएसपी कानून के लिए सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। भारत समेत कई अन्य देशों ने दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। B.1.529 के रूप में पहचाने जाने वाले नए वेरिएंट को बेहद संक्रामक सुपर म्यूटेंट कोविड वेरिएंट कहा जा रहा है। साथ ही ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह वेरिएंट वैक्सीन को 40% तक कम प्रभावी कर देगा। सर्दी आते ही उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का संकट उभर आता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में इस प्रदूषण में पराली के धुएं की भी हिस्सेदारी रहती है। पराली और प्रदूषण की खबरों के बीच अक्सर हम सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से पराली जलाने के मामलों की संख्या के बारे में भी पढ़ते हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से इनकी गिनती बहुत सीधा काम नहीं है। कई प्रक्रियाओं के बाद काफी हद तक सटीक संख्या तक पहुंचना संभव हो पाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार अगले 5 साल में देश में स्वास्थ्य ढांचा तैयार करने में करीब 64,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केंद्रीय मंत्री जो अरुणाचल प्रदेश के त्वांग जिले के एक दिवसीय दौरे पर थे, उन्होंने खंडरा, द्रोबा, जंगमो जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के बीच टीके की बूस्टर डोज लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ गया है। इसके साथ ही टीके के असर की अवधि को 9 महीने तक सीमित करने के यूरोपीय देशों के प्रस्ताव ने भारतीय के लिए बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत बढ़ा दी है। पुडुचेरी में शुक्रवार देर रात हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में 26 से 29 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को चेन्नई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और राज्य की राजधानी में सोमवार तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की। विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत यूपी हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर आज भी चिंताजनक बना हुआ है। बीते दो दिनों से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में बनी हुई है। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 386 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली के अलावा यूपी और हरियाणा के लोगों को भी वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग 2021 में हो रही देरी से नाराज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने शनिवार से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। संगठन ने देश भर के सभी रेजिडेंट डॉक्टर से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सेवाओं से हटने का अनुरोध किया है। जर्मन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायो एनटेक ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के दो हफ्ते के आंकड़े के आधार पर अपनी वैक्सीन में बदलाव पर फैसला करेगी। इस नए वेरिएंट को डेल्टा से भी संक्रामक और खतरनाक माना जा रहा है। बायो एनटेक ने अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के साथ मिलकर कोरोना रोधी वैक्सीन विकसित की है, जिसका यूरोपीय संघ के देशों और अमेरिका समेत कई देशों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण में इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है और राज्यों को इस पर नजर रखने के लिए निर्देश भी जारी कर चुकी है। भारतीय सार्स सीओवी2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम B.1.1.1.529 नाम के कोविड-19 के नए वेरिएंट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राहत की बात यह है कि इस वेरिएंट का देश में अभी तक पता नहीं चला है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि नया वेरिएंट अधिक संक्रामक है, ऐसे में सभी वयस्कों का टीकाकरण बेहद जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। इसी बीच गठबंधन के ऐलान हो रहे हैं। अगर सियासी इतिहास से देखें तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कई दलों से गठबंधन किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गठबंधन तो कर रहे हैं, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर नहीं लग सकी है। कहने का मतलब है कि गठबंधन तो हो गए हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने शुक्रवार को जाति प्रथा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत में भी जाति प्रथा कायम है। उन्होंने कहा है कि देश में दो प्रकार के हिंदू हैं, एक वो जो मंदिर जा सकते हैं और दूसरे वो जो नहीं जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि 21वीं सदी का भारत जाति के मामले में नहीं बदला है। पुजारी ने अक्सर मेरा गोत्र पूछा है और मैंने उनसे कहा है कि मेरी परवरिश वहां हुई है जहां जाति को नहीं माना जाता है। शादियों के सीजन में सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो केंद्र सरकार के स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत गोल्ड खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है। इसमें फायदे की बात यह है कि सोना खरीदने पर सरकार आपको ब्याज देगी, साथ ही आपका खरा सोना खरीदने और सुरक्षा की चिंता खत्म हो जाएगी। हालांकि स्वर्ण बॉन्ड योजना सोना खरीदने की यह योजना 3 दिसंबर को बंद होगी। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में कृषि कानून की वापसी के लिए बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा में 3 मौजूदा कानून की वापसी का प्रस्ताव पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि चर्चा के बाद पहले ही दिन लोकसभा में इस बिल को पास करने की योजना है। वहीं कृषि कानून की वापसी से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 3 कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा। सलमान का किसी फिल्म में होना ही काफी होता है, इसी तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। boxofficeindia.com के अनुसार इस फिल्म ने पहले दिन लगभग 4.50 करोड़ की कमाई की है, जो सत्यमेव जयते 2 के पहले दिन की कमाई से ज्यादा है। इन दोनों फिल्मों में कड़ी टक्कर होने वाली है। शनिवार और रविवार के कलेक्शन फैसला करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल CPNUML के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो भारत के कालापानी, लिम्पिया धुरा और लिपुलेख क्षेत्रों से बातचीत के जरिए वापस ले लेंगे। लिपुलेख दर्रा कालापानी के पास एक सुदूर पश्चिमी बिंदु है, जो नेपाल और भारत के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपने क्षेत्र में अभिन्न अंग के रूप में दावा करते हैं। गुजरात में 26 नवंबर की रात कच्छ की खाड़ी में MV एविएटर और अटलांटिक ग्रेस के बीच टक्कर हो गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि तेल की चपेट में आने से ये टक्कर हुई थी। भारतीय तटरक्षक पोत क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण पोत सहित आसपास के क्षेत्र में स्टैंड बॉय पर है और स्थिति की निगरानी की जा रही है। गुजरात में PRO रक्षा ने यह जानकारी दी है। पहली बार पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के पार हो गई है, यानी लगभग $283 बिलियन। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने SBP डाटा को बताया है कि इमरान सरकार के आने के बाद कर्ज में 70% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा तहरीक इंसाफ सरकार के दौरान पाकिस्तान का कुल कर्ज और सार्वजनिक कर्ज काफी ज्यादा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में 450 करोड़ की लागत से 65.61 एकड़ में बने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम योगी ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि देशहित में 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं। 2017 से पहले यूपी में किसानों के हाल बेहाल थे।
कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक धारवार में एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 77 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 281 हो गई है। 77 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद धारवार का SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज कोविड हॉटस्पॉट बन गया है। बताया जा रहा है कि सभी छात्रों को पहले टीका लगाया जा चुका था। शुक्रवार को शेयर बाजार की भारी उथल पुथल के बाद अडानी की नेटवर्थ में 12.4 अरब डॉलर यानी करीब 93,065 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस कारण अब वो एशिया में सबसे बड़े रईस की दौड़ में मुकेश अंबानी से काफी पीछे हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ अब 78.1 अरब डॉलर रह गई है और वो दुनिया के अमीरों की सूची में 13वें नंबर पर पहुंच गया है। अभिषेक बच्चन ने एक शो पर बातचीत के दौरान ये खुलासा किया है कि उन्हें फिल्म रिफ्यूजी से अपने डेब्यू करने का अफसोस है। अभिषेक ने खुलासा करते हुए कहा कि आमतौर पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने उन हालातों में डेब्यू किया जब मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अभिषेक ने कहा है कि मैं उस वक्त दिग्गज JP दत्ता के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमना ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका के लिए गंभीर चिंता का विषय अब न्यायाधीशों पर बढ़ते हमले हैं। रमना ने कहा कि इनमें शारीरिक हमलों के साथ ही मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया द्वारा किए जाने वाले हमले भी शामिल किए गए हैं। CJI ने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी को ऐसे दुर्भावनापूर्ण हमलों से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजीव कुमार, कृष्णा दुबे, प्रवीण कुमार, धर्मजीत शाह, राजकुमार, अनिकेत कुमार, पुनदेव कुमार, इस्तियाक आलम, दीप रंजन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे।